ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता यानी कि अगस्त का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं अभी फिलहाल करंट सिचुएशन कैंसेरियन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या बनी हुई है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करंट एनर्जी ये है, आई थिंक इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, मिसिंग। ठीक है, और हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप सोचते हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, कि आपके स्पाउस हैं, बेटर हाफ हैं, हस्बैंड वाइफ, बट सिचुएशन इज यू नो लाइक मिसिंग, और मे बी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी को, रीच आउट या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड अगर आपकी एनर्जी चेक करें कैंसेरियंस, इट्स अबाउट यस, यू फील, आपको लगता है कि दिस इज द वन। ठीक है, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव, और शायद हो सकता है आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट यू नो गेटिंग रिलेशनशिप ऑन योर टर्म्स, ये चीज़ हो सकती है, दोनों में से आप में से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आप चाह रहे हैं कि यू नो आपके तरीके से हो, या आप चाह रहे हैं, एक स्ट्रगल चल रही है, इट्स अबाउट कि आप किसी को खींचना चाह रहे हैं अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बट कोई मूव नहीं ले रहे हैं। आप जस्ट मे बी हो सकता है आप प्रे कर रहे हैं, आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, बट नॉट एग्जैक्टली स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफकोर्स कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे हमारे पास सेवन ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हम ज़रूरी नहीं है हम मैरिड कपल्स की ही बात कर रहे हैं, कोई भी सुन रहा है इसको, हो सकता है कोई न्यू पर्सन है आपसे, यंगर वाइफ्स है। ठीक है, ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, या हो सकता है कि स्टिल समबडी इज कंफ्यूज्ड कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसी एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। न्यू है, ऑलरेडी कोई और है, सो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ कैंसेरियंस, आई थिंक यू आर वेटिंग, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि आप वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग, मे बी वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, या वेट कर रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है ऑब्वियसली। और इस पर्सन से आप क्या चाह रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स आप रिजिस्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है यस, आपको ये लगता है कि यस, कि जैसे आप इनका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए फाइट करें, शायद ये सिचुएशन हो सकती है ना, कि आप सोच रहे हैं कि जैसे आप इनके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन भी आपके लिए आपकी तरफ आए, लाइक वो रिजिस्ट ना करके फाइट करें इस कनेक्शन के लिए, यू नो यस दे वांटेड, मतलब अपनी तरफ से कुछ स्टेप फॉरवर्ड करें, ये केस हो सकता है, तो ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक ऑफकोर्स ये जो पर्सन है, कुछ के लिए अगेन डन विद द कनेक्शन, कोई न्यू कनेक्शन है, ठीक है, या उनकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन हो गया, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, या थिंग्स हैव चेंज्ड, कुछ चेंज हो चुका है आप दोनों के बीच में, या वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन चुकी है, दैट दिस पर्सन इज, पहले वो आपके पीछे थे, अब आप उनके इंतजार में है, तो ऐसी एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है दे आर लाइक यू नो, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज इमोशंस एंड फीलिंग, नॉट फीलिंग्स बट यस इमोशंस फॉर यू, बट कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि अगर यू नो जैसे आप कर रहे हैं कि नो दे शुड यू नो कम, वैसे ही वो उस एनर्जी में बैठे हुए हैं कि नहीं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन और एनी मूव टूवर्ड्स यू। किंग ऑफ सोल्स एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसका मतलब ये होता है कि इस रिलेशनशिप को पता नहीं कितना टाइम लग सकता है चेंज होने में, तो वही बात वहीं आ जाती है, जस्ट
आई वॉज पुलिंग द कार्ड्स, तो वो एनर्जी आ रही थी कि कोई अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड किंग ऑफ सोर्ड्स बेसिकली जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी आ रही है. इट्स साइंस खैर सभी है यहाँ पे, नॉट जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक साइंस है. हाँ बट ये है कि यस दे वॉन्ट थिंग्स माई वे और हाई वे, कोई ऐसी वाली एनर्जी है. अब ये रिलेशनशिप वेयर इज दिस हेडिंग, आई थिंक इट नीड्स टू बी, कोई चाहता है एंड स्पेशली हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकती है टू वर्क थिंग्स आउट. मुझे ऐसा लगता है कोई चाहता है कि ना कि एफर्ट्स पुट करें. ये चीज है एट ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि पुटिंग एफर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू नो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कनेक्शन. ओके, और चाहता है कोई कि एक बैलेंस आ जाए रिलेशनशिप में, एक वो यू नो एक वो आपस में वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर से कोई एक हो जाए. अब वो ज्यादा आई थिंक हो सकता है कि आपकी तरफ से हो, ये चीज हो सकती है कैंसेरियन. ठीक है, तो क्या ऐसा हो पाएगा? इट्स लाइक यू नो जस्ट थिंकिंग, इसका मतलब ये होता है फूल इज अबाउट जस्ट थिंकिंग 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 एंड नॉट टेकिंग एनी स्टेप. ठीक है, कि मतलब सिर्फ सोच रहा है कोई, लेकिन कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा. हो सकता है फियर है, ये फियर है कि आपके पर्सन आपको मना कर देंगे या आपको आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे, या ऐसी कोई एनर्जी भी हो सकती है, या कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा है. ठीक है ना, तो दिस रिलेशनशिप हैज पोटेंशियल. ठीक है, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिस रिलेशनशिप हैज पोटेंशियल. ठीक है, और हो सकता है कि स्टेबिलिटी आए, अनलेस एंड अनटिल यू आर डन, अनटिल एंड अनलेस कि ये रिलेशनशिप पहले यहाँ जो भी कुछ आप फेस कर चुके हैं या कुछ ओवर हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम. एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप पूछ रहे हैं जो चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसी वो एनर्जी. ठीक है, तो ये चीज हो सकती है. एम्प्रेस एनर्जी हमारे पास आ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी, इसका मतलब ग्रोथ. ठीक है, तो कैंसेरियंस के लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि ऑफर, मेकिंग ऑफर. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यस आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आपको अपनी यू नो आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, किसी की नहीं है. या आप अपने उस पर सेल्फ वर्क कर सकते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन वो स्टेप फॉरवर्ड वाला वो मूवमेंट नहीं हो रहा है. दैट इज द थिंग. और दूसरी बात ये कि यस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कोई नया कनेक्शन हो, जहाँ आप सोच रहे हैं, स्पेशली फॉर सिंगल्स, कि कोई नया कनेक्शन हो एंड यू आर वेरी मच यू नो लाइक अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, और बस आपको एक फियर है कि वो कैसे होगा क्या होगा. भाई वो हो सकता है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज लाइक कि आप उनको रीच आउट करें और अपनी तरफ से कोशिश करें. ठीक है, और सिंगल्स के लिए स्पेशली एट वर्क प्लेस हो सकता है दैट यू फाइंड समबडी यू नो ब्यूटिफुल, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, देन यू कैन रीच देम आउट, और ये चीज़ हो सकती है. ठीक है, और शायद हो सकता है आप बैठे हैं और सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर तो इट्स गोइंग टू टेक फॉर एवर. तो सिंगल्स के लिए भी टाइम स्टैम्प कर दीजिए कि एट वर्क प्लेस या कोई ऐसा हो सकता है दैट यू कैन स्टेप फॉरवर्ड, और आप यू नो यू हैव टू कम इन टू योर जोन, दैट एम्परर जोन. ओके, और ये चीज़ हो सकती है. एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए इट्स लाइक मैरिड, यू नो कि कोई ऐसी सिचुएशन है लाइक यू आर ऑलरेडी मैरिड और कोई है आपको स्टिल पसंद, तो वो वाली सिचुएशन है. तो भाई सोच समझ के ध्यान से तब फिर प्रॉब्लम आ सकती है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. ठीक है, फिर वो इशू क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है. चलिए अब हम करियर की बात करेंगे. ओके, करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज लॉट ऑफ हार्डवर्क. आई थिंक हार्डवर्क है और वो पे ऑफ भी हो रहा है. ठीक है, पे ऑफ होगा इस हफ्ते, हमें स्पेशली दिखाई दे रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी आर गेटिंग टेम्परेंस कार्ड. इसका मतलब ये है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो पे ऑफ होगा. ठीक है, एंड मोर ओवर ऐसा लगता है यू आर एक आप बहुत जल्दी जल्दी फैसिनेट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, यू नो कुछ लाइक यू वॉन्ट टू पिक अप समथिंग, और हो सकता है चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, स्मूथ हों. ये चीज़ें हो सकती हैं, यू नो कि आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी, सो टेकिंग अ अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई आपको कोई बिजनेस या कोई एनी थिंग एनी थिंग. पेज ऑफ वॉन्ट्स इट्स लाइक कोई
कोई अपॉर्चुनिटी टेकिंग अप या कोई टास्क, यू नो, ऐसी कोई एनर्जी है. सो इट्स अ गुड एनर्जी. टेम्परेंस इज ऑल अबाउट कि करियर में एक बैलेंस आ रहा है. सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी गुड वीक अगर हम करियर की बात करें, ऑफ कोर्स. और घबराइए मत, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कि आपको वो लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, यस यू कैन. और उसका आउटकम क्या होने वाला है, अच्छा पॉजिटिव ही होने वाला है. हमारे पास एम्प्रेस है, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है. दैट मीन्स लाइक कमिंग इन टू योर जोन, स्टेबिलिटी करियर में आएगी. और लेटर ऑन हो सकता है अभी या लेटर ऑन आप ये इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि अच्छा खासा एक बैलेंस आ रहा है आपके करियर में. तो स्टेप फॉरवर्ड करने से डरिए मत, ठीक है. अच्छे और साफ मन से, ऑफ कोर्स, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी. तो ये चीज हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है. अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक. ओके, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं. तो अगर पेशेंस रखें और अपना काम करें तो क्यों नहीं, जीत हासिल होगी, जरूर हासिल होगी, ठीक है. और शायद हो सकता है रिलेशनशिप या करियर, वट एवर, आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग इज ब्यूटिफुल, समथिंग ब्यूटिफुल इज गोइंग टू ग्रो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर हमें दिखाई दे रहा है. रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट फाइव ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स एनर्जी. डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से, हो सकता है पास्ट में से ही नहीं निकलते हैं, हो सकता है पास्ट की बातों को ही लेके बैठे रहते हैं. इसने ये किया, इसने वो किया, पास्ट पास्ट पास्ट, यू नो. सो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप. तो गाइडेंस क्या है, टर्निंग इन, खुद को देखना है, खुद पे सेल्फ वर्क करना है, गेटिंग यू नो कनेक्टिंग विद इन. बाहर जब बहुत शोर है तो यू नो यू शुड कनेक्ट विद इन, ठीक है. तो आंसर्स अंदर मिलेंगे, किसी के थ्रू नहीं. एंड मे बी दैट इज द रीजन यू आर सफरिंग. एंड और तभी चीज़ें डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है. तो रिलेशनशिप सेक्टर में खास ये गाइडेंस है कि प्लीज पास्ट की बातों या टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल के, उस उन सब चीज़ों में से बाहर निकल के, इट्स अबाउट कनेक्ट विद इन. एंड आपको तभी आंसर्स मिलेंगे और तभी आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, बेहतर होगा. और जो चीज़ें डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि यू नो यू आर नॉट इंजॉइंग लाइफ, आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक बंधी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कोई घुट रहा है, ठीक है. तो उस घुटन को खत्म करना है और बाहर निकलना है इस चीज में से. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टू टेक केयर.